आप मकसद क्या बताना चाहेंगे, क्या रहा मकसद? क्योंकि 200 से ज्यादा तो बहुत बड़ी तादाद होती है ना मनुष्य। मकसद एकदम साफ था, एडमिनिस्ट्रेटिव ढंग से ट्रांसफर किए गए हैं और चुनाव संभावित था। इस दृष्टि से भी चुनाव आयोग के कुछ निर्देश हैं कि कोई अधिकारी अगर कहीं पर 3 साल से है, होम डिस्ट्रिक्ट में है, कई निर्देश हैं, उन निर्देशों को पालन करते हुए चुनाव के पहले ट्रांसफर करना ये प्रशासन का लक्ष्य था, वो कर लिया गया। इसको लेकर जो पॉलिटिक्स हो रही है उसको कैसे हैंडल करेंगे? और इसी के साथ साथ एक और आरोप, क्योंकि एलजी की शक्तियां जिस तरह से बढ़ा दी गई हैं, उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि भैया आप चपरासी की नियुक्ति करने के लिए भी मुझे एलजी का चेहरा देखना पड़ेगा। देखिए, मुझे लगता है कि चुनाव आयोग ने चुनाव की तिथियां घोषित कर दी हैं, तो मैं अपनी सीमाएं जानता हूं, इसलिए मैं किसी की राजनीति पर कोई बात नहीं करूंगा। लेकिन जहां तक स्थानांतरण का सवाल है, मुझे भारत के संविधान की पूरी समझ है, मेरे जो अधिकार हैं उनके बारे में मुझे पूरी समझ है, चुनाव आयोग को मैं अच्छे से समझता हूं, और जो हमारे विधिक अधिकार क्षेत्र में है वही मैंने किया है, जहां तक स्थानांतरण का सवाल है। दूसरी बात एलजी की शक्तियों को लेकर के है, तो मैं आपसे दो बात कहना चाहता हूं। ये इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है, ये केवल नोटिफिकेशन किया गया है। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो पारित हुआ था देश की संसद से, उसमें ऑलरेडी एलजी के पास ये शक्तियां थी। क्योंकि विधानसभा चुनाव संभावित थे, इसलिए कोई किसी को भ्रम न रहे, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने उसको नोटिफाई कर दिया, दैट्स ऑल। तो यही बताने की कोशिश की गई है ना कि सरकार किसी की भी बने आना पड़ेगा एलजी के द्वार पर ही। नहीं नहीं नहीं, नहीं ये ऑलरेडी पहले से संघराज क्षेत्रों में यूटीज में है, और ये कोई नई चीज नहीं बनी है। और जो लोग संविधान कानून और नैतिकता की बात करते हैं, मुझे लगता है कि उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय, जो हमारे देश की सबसे बड़ी अदालत है, उसने 370 और 35A के एब्रोगेशन पर जो भारत की संसद ने रुख लिया, उसी राय पर अपनी मुहर लगा दी है। तो ये आज की तारीख में भारत का कानून है, और कम से कम भारत के संविधान की शपथ लेने वाले लोगों को गुमराह करना नहीं चाहिए। अब 370 एंड 35A इज नॉट ए पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या प्रयोग करेंगे? नहीं, अब ये चुनाव आचार संहिता लागू है, इसलिए मैं सब कुछ नहीं बता सकता हूँ। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि राजनीतिक दल राजनीतिक कारणों से बहुत कुछ कह रहे हैं, मैं उस पर कोई अपनी राय नहीं दे। आप ये कहना चाहते हैं कि उमर अब्दुल्ला कितना भी अपने घोषणा पत्र में 370 को लेकर बोल दें, लेकिन वो अब कभी अस्तित्व में नहीं आ सकता, आपकी बातों से ये लग रहा है? अगर चुनाव आचार संहिता न होती तो मैं इस पर जरा और खुल के बोलता, लेकिन इतना मैं कहना चाहता हूं कि संसद द्वारा जिस चीज को समाप्त किया गया, जिस पर देश की सर्वोच्च अदालत की वैधानिक मुहर लग गई है, वो हटा पाएगा कोई या नहीं हटा पाएगा, ये संविधान विशेषज्ञों और कानूनविदों से किसी को भी राय लेनी चाहिए। राहुल गांधी कल कश्मीर जाने वाले हैं, जम्मू जाने की भी खबर सामने आई है, वहां पर सीटों को लेकर आपस में तालमेल नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ उनका हो सकता है, तो राहुल गांधी के इस विजिट को कैसे देख रहे हैं आप? नहीं, एक तो राजनीतिक दल आपस में किससे तालमेल करते हैं ये मेरे विचार का विषय नहीं है, न मेरा इससे कोई मतलब है। राहुल गांधी जी पहले भी आए थे, जब अपनी यात्रा लेकर के आए थे उनको पूरी सुरक्षा और हर प्रकार की सुविधा दी गई थी, इस बार विपक्ष के नेता के नाते आएंगे, तो जो प्रशासन का काम है उनकी सुरक्षा, उनकी यात्रा को फेलिसिटेट करना, ये सारे काम प्रशासन करेगा। मैं आ जाती हूँ महबूबा मुफ्ती के बयान पर, वो फिर से कि आपकी शक्तियां बढ़ा दी गई हैं, उन्होंने कहा है कि बिल्कुल विधानसभा की ताकत खत्म करके नगर पालिका जैसे स्थिति इन लोगों ने बनाकर रख दी है, और वो इसको लेकर लगातार घेर रही हैं आपको। राजनीतिक लोग क्या बोल रहे हैं ये मेरे विचार का विषय इस समय नहीं है, मैं मर्यादा में बंधा हुआ हूँ, लेकिन इस प्रश्न का जवाब मैंने दे दिया है कि शक्तियां जो बढ़ी हैं वो कैसे विधिक हैं, कानूनी रूप से लीगली टेनेबल हैं, उस पर मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ।
बार बार आपके ऊपर राजनीतिक दल, चूंकि अब चुनाव नजदीक हैं, इस वजह से ये आरोप और ज्यादा बढ़ जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं ना कहीं फेवर वाला काम किया जा रहा है। हमने लोकसभा चुनाव के दौरान देखा कश्मीर में आप लोग इतने कामकाज गिनाते हैं, लेकिन बीजेपी कश्मीर की किसी भी सीट से चुनावी मैदान में नहीं उतरी, जम्मू से ही जैसा कि वो लड़ती हुई चली आ रही है। तो इस बार विधानसभा में क्या ये माना जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी आएगी मैदान में? ये फैसला भारतीय जनता पार्टी को करना है कि भारतीय जनता पार्टी कहां लड़ेगी कहां नहीं लड़ेगी। मेरा भारतीय जनता पार्टी से कोई नाता नहीं, लेकिन केंद्र और एलजी साहब जो कामकाज का दावा करते हैं उसी के आधार पर तो बीजेपी वहां पर गिना रही है कि हमने इतने सारे काम किए। मैंने 6 अगस्त 2020 को भारतीय जनता पार्टी से त्याग पत्र दे दिया था और मेरा त्याग पत्र उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने स्वीकृत कर लिया था। इसलिए भारतीय जनता पार्टी क्या करती है इससे मेरा कोई लेना देना नहीं, मेरा कोई संबंध। और जो विपक्षी दल इसी को लेकर आपके ऊपर आरोप लगाते हैं कि भाई वो आप बीजेपी के बड़े नेता रहे हैं, आप केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड आप बाकी दलों के लिए मुहैया नहीं कराएंगे, इस तरह के आरोप सीधे आपके ऊपर हैं। मुझे लगता है कि लोकसभा के जो चुनाव हुए हैं वो इस बात को प्रमाणित कर सकेंगे कि लेवल प्लेइंग फील्ड था कि नहीं, जिसमें दो दो पूर्व मुख्यमंत्री चुनाव हार गए, तो लेवल प्लेइंग फील्ड था कि नहीं ये वो तय करेंगे। वही बारामूला से दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि कोई भी, चुनाव आयोग ने अभी जब चुनाव आयोग गया था तो उसने काफी प्रशंसा की जिस तरह से जम्मू कश्मीर प्रशासन ने लोगों को फेलिसिटेट किया मतदान में हिस्सा लेने के लिए, और ये बात मुझे लगता है कि देश के हर नागरिक के लिए गर्व का विषय हो सकती है कि 35 साल बाद 58% से ज्यादा मतदान लोकसभा के चुनाव में। बिल्कुल। और केवल वैली की अगर मैं बात करूं तो 50.6% मतदान हुआ, जो स्वयं में एक रिकॉर्ड है। अगर 2019 के लोकसभा चुनाव से आप कंपेयर करेंगे तो लगभग 3 गुना मतदान प्रतिशत बढ़ गया है। बिल्कुल। तो देश और दुनिया इसको सराह रही है, लेकिन आप लोग हैं कि दूसरी तरफ ही देश और दुनिया का ध्यान ले जाना चाहते हैं। हमारा तो काम ही है ना विपक्षी दलों की ओर से जो आरोप लगाया जाए उसका जवाब आपसे लें, क्योंकि आप वहां पे सत्ता में हैं, आपके पास ताकत है। देखिए विपक्षी दल जो आरोप लगा रहे हैं उनका काम है, सत्ताधारी दल से पूछे, मुझसे पूछने का सवाल नहीं मेरा, मैं तो बड़ा दूसरे तरह के काम में लगा हूं। आपने कहा कि तमाम रिकॉर्ड जो लोकसभा के चुनाव हुए हैं उसमें मतदान प्रतिशत ने तोड़ा है, 3 गुना मतदान 2019 के मुकाबले हुआ है। विधानसभा के चुनाव में क्या स्थिति आप देख रहे हैं, क्योंकि लोकसभा के चुनाव 5 चरणों में हुए थे, अलग अलग सीटों पर, पांचों सीटों की अगर मैं बात करूं जम्मू कश्मीर की, इस बार 3 चरणों में। मुझे लगता है कि जो मैं लोगों को समझ पाया हूं जम्मू कश्मीर के, मतदान का प्रतिशत और बढ़ेगा। और गृह मंत्रालय ने, भारत सरकार ने पर्याप्त सुरक्षा बल देने का भरोसा दिया है, और ये फैसला चुनाव आयोग करता है कि चुनाव की तिथि क्या होगी, चुनाव कितने चरण में होगा, और चुनाव आयोग ने जो भी शेड्यूल तय किया है उस पर जिम्मेदारी के साथ स्वच्छ मतदान हो, खुल करके लोग मतदान करें। लोकसभा के मुकाबले बढ़ेगा मतदान प्रतिशत, मेरा अनुमान है कि प्रतिशत बढ़ेगा। क्या वजह इसके पीछे देख रहे हैं आप? स्वाभाविक रूप से विधानसभा के चुनाव में लोकल उम्मीदवार ज्यादा होते हैं तो प्रतिशत हर जगह बढ़ता है, और मैं समझता हूं कि जम्मू कश्मीर में भी वही ट्रेंड रहेगा।